This one is so huge, bhai. 1250 GS. This is the future. Hello guys, welcome to new vlog. Today is 9 December. Right now it's 2:30. और मैं हूँ BMW 310 GS पे। आप बोलोगे भाई ये बाइक कहाँ से आ गई? भाई ये शोरूम से लेकर आया हूँ टेस्ट राइड करने के लिए, कैसी चलती है। तो थोड़ा ऑफ रोड टेस्ट करेंगे इसका, और रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है तो ऐसे ही रोडों के लिए बनी है। तो देखते हैं कितना अच्छा परफॉर्मेंस है, कितना बुरा परफॉर्मेंस है, क्या अच्छा लगता है मुझे, क्या बुरा लगता है इस बाइक के अंदर, सारा कुछ आपको बताऊंगा। पावर मुझे लैग लग रहा है काफ़ी, पावर इतना अच्छा नहीं है, पावर में मज़ेदारी नहीं है, पावर लैग है। ब्रेकिंग भी इतनी कोई ख़ास नहीं है, ब्रेकिंग भी नॉर्मल है बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट डोमिनार की ब्रेकिंग इससे ज़्यादा अच्छी है। हैंडलिंग ओवरऑल ठीक ठाक है, हैंडलिंग ठीक है, हैंडलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइट वेट है काफ़ी। सिटी में हैंडलिंग अच्छी है, पावर कम है, तो मुझे नहीं लगता कि हाईवे पे यार इतना मज़ेदारी रहेगी इसकी। सिटी में हैंडलिंग ठीक है, इसकी मेन जो टेस्टिंग होगी वो होगी ऑफ रोड पे। ब्रेकर्स पे हाँ ठीक है, पता नहीं लग रहा। This is the future. Human error. Actually, ये है एडवेंचर बाइक, तो मेन एडवेंचर बाइक का पर्पस होता है ऑफ रोडिंग करना, थोड़ा बहुत हाईवे राइड करना, और कैसे भी गड्ढे वड्ढे आए उस पर एकदम आराम से निकल जाए। तो मेन हम वो टेस्ट करेंगे कि यार इसका गड्ढे पे क्या परफॉर्मेंस है, खराब रोडों पे कैसा परफॉर्म करती है। This is the future. गड्ढे वड्ढे तो पता नहीं लग रहे यार, गड्ढे वड्ढे में तो यूं निकल जा रही है मक्खन की तरह, क्योंकि सस्पेंशन इसका काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, काफ़ी ऑफ रोडिंग के हिसाब से ही बनाया गया, तो गड्ढों वड्ढों में तो बिल्कुल भी पता नहीं लग रही। पावर लैग है, पावर यार, पावर में मज़ेदारी नहीं। अगर पावर थोड़ा और इम्प्रूव कर देते ना ये लोग तो और ज़्यादा मज़ेदार बाइक हो जाती है। छावनी बना रखा है भाई साहब बॉर्डर को, तो छावनी ऑफ रोड पैचेस। यहाँ पे एक ऑफ रोड पैच है, वहाँ चलते हैं, ट्राई करते हैं इसका ऑफ रोड, देखते हैं कैसा है। ये रहा, यहाँ चलते हैं। ऑफ रोडिंग तो सही कर रही है यार, ऑफ रोडिंग में कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ रोडिंग में कोई दिक्कत नहीं है, ऑफ रोडिंग बढ़िया दे रही है। ये कुछ ऐसे दिखती है भाई,
दिखने में तो काफ़ी ह्यूज है, काफ़ी बड़ी दिखती है, पर बाइक पे बैठ कर इतना बड़ा नहीं दिखता क्योंकि कंसोल छोटा सा दिखता है। ये ओवरऑल व्यू है इसका। कुछ लीवर टूटा हुआ है, मतलब ये एक्सीडेंट हुई है आई थिंक, लीवर टूटा हुआ है, आई डोंट नो व्हाई। ऑफ रोडिंग में सही है, गड्ढे वड्ढे पता नहीं लग रहे बिल्कुल भी। और अगर पावर की बात करो तो पावर में थोड़ा लैगिंग है, पावर में मज़ेदारी नहीं है, हैंडलिंग भी ठीक है, अच्छी है। ऑन रोड इस बाइक की प्राइस 335 है, पहले मेरे ख्याल से ये 4 समथिंग की आती थी, इन्होंने कुछ प्राइस काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस किया है, 70,000 के रुपये के आसपास प्राइस इन्होंने रिड्यूस किया है। और परफॉर्मेंस में ऐसा कुछ एज इट इज़ चेंज नहीं हुआ, बाइक का इंजन थोड़ा कह रहे कि रिफाइन हुई है भाई, और जो वाइब्रेशन थी वो कम हुई है, बाकी कॉस्मेटिक चेंजेस हैं, कलर चेंज हुए हैं और कुछ थोड़ा बहुत LED हेडलाइट्स में डाल दिया है इन्होंने, बाकी ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस देखा जाए तो वैसा ही है, लेकिन प्राइस कम हो गई है। अगर आपको BMW ब्रांड चाहिए तो आप जा सकते हो, सिर्फ ब्रांडिंग के पैसे हैं। अगर आप इसको ड्यूक 390 एडवेंचर से कंपैरिजन करो तो उसके सामने इतना मज़ेदारी नहीं है, क्योंकि उसमें यार पावर बहुत अच्छी है, टॉर्क बहुत अच्छा है उसका, तो उसको भगाने में मज़ा आता है। आप मतलब हाईवे पे आपको बोरियत नहीं होगी, इसमें क्या आपको, मुझे लगता है ऐसा कि हाईवे पे ये बोर कर देगा, क्योंकि पावर में इतना ज़्यादा मज़ेदारी नहीं है। ये था मेरा रिव्यू, बाकी आपको जिस किसी को भी लेना है वो पहले शोरूम जाओ, टेस्ट राइड करो, हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है, हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है, तो सबसे पहले आप शोरूम जाओ, ट्राई करो, देखो कैसा ही चलती है, आपके पसंद की है नहीं है, चाहे आप कोई सी भी बाइक ले रहे हो शोरूम जाओ ट्राई करो, क्योंकि आजकल हर शोरूम आपको टेस्ट राइड देता है, टेस्ट राइड करो, पसंद आती है तो लो, अदरवाइज़ कुछ भी सिर्फ ब्रांड के पीछे भागने का मतलब नहीं है। ठीक है ब्रांड है अच्छी बात है, बट ब्रांड इसकी सर्विसिंग में ऑलमोस्ट वन फर्स्ट सर्विसिंग में ऑलमोस्ट 6,500-7,000 रुपये लग जाते हैं, जबकि आप अगर दूसरे ब्रांड्स में देखोगे तो थोड़े रिजनेबल हैं, तो वो भी आपको मैटर करता है कि आप क्या किस तरह से अफोर्ड करना चाहते हो, बजट बाइक चाहते हो या फिर ब्रांड चाहते हो, तो भाई सारा कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। जाओ वक्त शोरूम जाओ, टेस्ट राइड लो, चेक करो और उसके हिसाब से फिर अपनी बाइक परचेज करो। ओके गाइस, तो ये था मेरा रिव्यूज़, बाकी आगे इसी तरह अगले वीडियो में मिलेंगे। ओके बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।